वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ दीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो डेली का व्लॉग होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा प्लीज। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसका ये फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे ये बैठता है और अपना सब्जी वगैरह सब काटता है। देखो कैसे मुंह बना रहा है ना। और ये बरबट्टी है, इसको पूरा काट के इसका जो बीजा बीज होता है ना, सीड्स वगैरह, वो निकाल के खा लिया है। वहाँ उसके प्लेट में रखा हुआ है कुछ, खुद खाएगा नहीं तो हम लोगों को ला ला के खिलाएगा। खुद खा रहे। और मैं बोली थी ना, टेबल में कवर बिल्कुल भी नहीं रहने देता, वो देखो उसका कवर। और आज बहुत दिनों के बाद मेरी सासू माँ लाल भाजी बना रही है, लाल साग, और ससुर जी हेल्प कर रहे हैं। लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, दिखाती हूँ। चलो गाइस, अभी बज रहा है 12:15 बजने वाला है। और कुछ दिनों पहले मैंने अपने लोगों को बताया था ना, यहाँ पे दीवार में पुट्टी वगैरह लगा के कलर किए हैं, तो अभी बीच में सीपेज के कारण से ना दोनों कलर अलग अलग दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी ही है। और वो जो दिख रहा है ना, वो मेरी सासू माँ ने बनाया है। सासू माँ यहाँ पे लाल साग बना रही हैं। पहले बैंगन को भूंज ले रही हैं, तल ले रही हैं, उसके बाद जो लहसुन है और हरी मिर्च है उसको देख के फिर लाल भाजी जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगी। टमाटर देख के आप लोग सभी जानते होंगे रेसिपी। ये बार बार ऊपर से गिर जा रहा है। ये बाहर निकल के बदमाशी शुरू इसका। वो आम पत्ता गिर गया था ना ऊपर से, तो उसको पकड़ के बैठ गया था। बदमाश, बहुत बदमाश है। की देख छु बाबू, हैं? ओ, यहाँ पे कल मैं वो बनाई थी ना रंगोली, आलपोना, तो उसी को बोल रहा है रंगोली घूम गया है, उसको बंदर ले गया ऐसे बोल रहा है। घूम घूम के देख रहा है कहाँ चला गया। बल्कि स्कूल ओपन हो गया है, सब स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पास में ही है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ भी डाली थी रंगोली ना, तो वहाँ पे भी जाके देख के आया। नहीं है वहाँ भी, उधर 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 कहीं भी नहीं है बोलना है। आप साफ कर दिए अच्छे से। बैठ गया। देखो कितना तेज धूप है लेकिन हवा चल रहा है। और अब ना शरद पूर्णिमा के बाद से हल्का हल्का ठंड आना शुरू हो जाता है, तो अब रात में लगती है हल्की हल्की ठंड। और ये वाला जो नाइटी है ना, नाइट सूट जो मैं कल पहनी थी, ये उल्टा है, ये सीधा है, उल्टा करके सुखाई हूँ क्योंकि कलर फेड हो जाता है धूप में, तो इसका हल्का सा कलर गया है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 350-400 रुपये में, कोई इतना महंगा नहीं है। बाज़ार में अगर ख़रीदो तो बहुत महंगा मिलता है, 750-800 का, और इसमें ज़्यादा कलर नहीं निकला है, हल्का सा ही कलर निकला है। ये इसका सीधा वाला साइड है ना, बार बार बता रही हूँ, ये मत सोचना कि ये उल्टा सीधा साइड है और इसका पूरा कलर निकल गया, ठीक है। ये देखो बच्चे लोग, शायद एग्ज़ाम चल रहा है इनका। यहाँ पे मैंने दोपहर का जो लंच है वो प्रिपेयर कर लिया था, उसके बाद मैं आज गुरुवार का पूजा की हूँ, कल भी हुआ था आज भी की हूँ। यहाँ पे परवल आलू है, इसमें भिंडी की सब्ज़ी है, हस्बैंड खा के जा चुके हैं, भिंडी है और ये परवल आलू की सब्ज़ी है, चावल है, दाल है और बैंगन का भाजा है, और लाल साग मेरी सासू माँ बना रही हैं, ठीक है। और ये रोटी भूतू छिलो यार, तो अंदर जाते भूत छिलो और जावी की नहीं बाबा की नहीं जैसे वो सत्य पर देते हो और निगर पाजे ना तब्जे नूर छुट कर रहे हो तो खुन खुन बैठा पे हो दादी আমি এখন খাবো তোমাকে
ফক্স কেমন চাচা ফক্স উলফ উলফ করে কেমনি কেমনি আবার একবার করতো জোরে কর জোরে চলো বলো গুড নাইট শাম কো মিলেঙ্গে বাই বাই। लेके आ गए हैं और आटा से पता नहीं क्या बना रहे हैं। जीत क्या बना रहे हो? मैं आटा बनाना हूँ। आटा बना रहे हो? आटे से क्या बना रहे हो? दूधी से इसे गोल गोल इसे कर लड्डू बनाना हूँ। लड्डू बना रहे हो? और हाथ में उंगली में क्यों लगा लियो यार? नहीं। क्या नहीं? वापस में आपका टेलीफोन कहाँ गया? आपको टेलीफोन बंद ना गया मेरा। बंदर लेके चला गया आपका टेलीफोन? नहीं तो दादू लेके चले गया। दादू लेके चले गए? ओ उसका आदत बंगाली में बात करने का ना, तो हिंदी में बोलो तो थोड़ा अटक अटक के बात करता है। आधा हिंदी आधा बंगाली मिक्स करके बोल रहा है। आटे को अपने उंगली में लगा लिया है। दादू के काल के कोथा बैठा बैठा लगे छिलो बाबू? दादू के काल के कोथा बैठा लगे छिलो? कल उसके दादू को हाथ में लग गया था, वहाँ यहाँ पे वही दिखा रहा है। दादू के हाथ में यहाँ पे लगा है तो उसको पता है। इसी के साथ आधे से ज्यादा समय निकल जाता है और मैं बाहर बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ। बात नहीं करने देता है किसी से भी, बात फोन में भी नहीं कर सकती, ऐसे बाजू ही नहीं कर सकती, बहुत नहीं करती। अपना ही बात करते रहेगा अपने। अच्छा संडे मंडे सुना तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे तपर सैटरडे। आप लोग को आता है? नहीं आता है मुझे। अभी ये दो दिन से सीख रहा है। देखो मेरे पास गुटना बन गया। जा दादू के दिखा गया, पैर में लगा लिया अपने। दो दिन से मैं इसको संडे मंडे याद करा रही हूँ तो वेडनेसडे तक याद रहता है इसको, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे भूल जाता है और सैटरडे याद रहता है इसको, या तो फिर आगे पीछे कर देता है। तो खैर तीन चार दिन में सीख जाएगा। तो वही आप लोगों को भी सुना रही थी, वही आप लोगों को शेयर कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा मैं इसको घर में भी सिखा रही हूँ क्योंकि अब इसको नेक्स्ट ईयर से स्कूल में डालना है। और यहाँ पे ना बाइक्स वगैरह की हॉर्न की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। घर ही रोड के ऊपर में है, जैसे कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे अभी ठंड आ रहा है तो फैन तो नहीं चलाना पड़ रहा है। कल शरद पूर्णिमा के बाद से ठंड बढ़ चुकी है, दिन में भी हल्की हल्की ठंड लगती है, फैन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अब दो मेरे ख्याल से 10 दिन या 1 सप्ताह में ठंड अच्छे से आ जाएगी। तो गाइज अभी यहाँ पे ससुर जी बाजार से सब्जी ले आए हैं, देखिए ये रखा हुआ है, धो लिया है मैंने इसको, अब मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी
और मेरी सासू माँ सीरियल देख रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।